अलका तो माथा टेक लिया, उसके बाद अभी लोग अभी यहाँ पे रुके हैं खाना पीना करने के लिए, भी भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं, आधा लेंस हल्का सा गंदा लग रहा है, इसको साफ करने दो। हाँ, एक हफ्ते की या छोटा से इतने टाइम की गधों की तरह मेहनत करने के बाद ना, अब आज ना संडे आया, संडे को अपन लोगों की छुट्टी भी थी, रिलेक्टेंट भी था, ऑफिस भी नहीं जाना था, तो ठीक था, सब कुछ ठीक था, बढ़िया था, ट्रेड भी नहीं था, सबसे बड़ी बात तो ये है भाई। आज मेरे को लग रहा है संडे ना संडे की तरह मनेगा, प्रॉपर एकदम परफेक्ट संडे जिसे कहते हैं। मम्मा पकौड़े तैयार कर रही हैं, आज अपन लोग जा रहे हैं एक छोटी सी रोड ट्रिप पे टूवर्ड्स हिमाचल, जस्ट क्योंकि हमको एक रोड ट्रिप की जरूरत थी, बहुत टाइम हो गया था घूमे हुए। कुछ नहीं जा रहे वहां पे, पापा के फ्रेंड का फार्म हाउस है, अपन लोग वहां पे जाएंगे, आराम से रुकेंगे, मस्ती मारेंगे, एंड पूरा एक प्रॉपर डेकेशन होएगा जो काफी 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 ज्यादा फन होने वाला है। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपको एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू आर डूइंग बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। एंड अभी प्रॉपर सीन पता ही क्या है, देखो पहले अपन लोग अभी 11:30 बज रहे हैं, 12 बजे के करीब अपन लोग तैयार श्यार होंगे, 12:15 तक निकलेंगे अपन लोग सबसे पहले कालका, कालका माता काली के माथा टेकेंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वहां तक अपन लोग सुच्चे मुंह जाएंगे। फिर ये जो मम्मी पकौड़े बना रही है इनको अपन लोग पैक करके गाड़ी में रख लेंगे क्योंकि उसके बाद का सफर काफी ज्यादा लंबा है, 80-90 किलोमीटर का है, तुम्हारा बाइक गाड़ी चलाएगा, तो वो सफर कंप्लीट करेंगे। कालका के बाद आराम से फिर वहाँ पे इंजॉय करेंगे एंड शाम तक वापस आने की कोशिश करेंगे 7-8 बजे तक इफ पॉसिबल। एंड भाई बड़े टाइम बाद हम चारों को ऐसे इकट्ठे घूमने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में चारों ही अपने प्रोजेक्ट्स में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे ना, अभी कहने की हद नहीं। दीदी का पढ़ाई का प्रोजेक्ट, मेरा ट्रेड का ऑफिस का प्रोजेक्ट, पापा का ऑफिस का प्रोजेक्ट, एंड बहुत चीज़ें थी, तो हम लोगों को एक प्रॉपर डेकेशन की जरूरत थी और मेरे एग्जाम्स भी थे। तो चलो ठीक है, अभी तो हम लोग फटाफट चल के अपने कपड़े डिसाइड करते हैं, सिंपल से ही कपड़े डाल लें, फिर पप्पा के फ्रेंड हो रही तो अपन लोगों को वहीं ज्वाइन कर लेंगे, तो ठीक है भाई मस्ती मारेंगे आज, हम लोग आराम से इंजॉय करेंगे। एंड मैं खुश हूँ भाई इतने टाइम बाद हमारे लाइफ में कोई ट्रिप आया है। पर भाई साहब तुम लोग यहाँ से व्यू चेकआउट करो, कितना ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ओ हो भाई, मतलब देखो अगर अपन इस गंद को इग्नोर कर देना, अभी अपन लोग सारे रुके हैं यहाँ पे अपनी प्लेट है हाथ में, पकौड़े थोड़ी देर में से डल जाएंगे, एंड वो घर देखो यार कितना ही प्यारा लग रहा है। पता नहीं एक्सेस पॉइंट कहाँ से होगा उसका, बट ब्रिज भी है वहाँ पे यार छोटा सा, कहाँ गया, 2 मिनट कैमरे में दिखा, हाँ वो देखो ब्रिज भी है, कितना ही प्यारा लग रहा है। एंड भाई अभी अपन लोगों ने कालका तो माथा टेक लिया, उसके बाद अभी लोग अभी यहाँ पे रुके हैं खाना पीना करने के लिए, भी भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं, आधा सफ़र अभी और है, तो अपन लोग फटाफट पहले अपने पकौड़े डालते हैं, आराम से यहाँ पे चिलैक्स मारते हैं एंड वापस वो थोड़ी देर में सफ़र कंटिन्यू करते हैं। जितनी थकावट मेरे को इस टाइम पे होगी है ना भाई ड्राइव कर करके, शायद से किसी और को ही होगी। एंड अपन लोग फार्म हाउस पे तो रुके उनके, बट मैं व्लॉग कुछ भी नहीं कर पाया बिकॉज मेरे को टाइम ही नहीं मिला भाई, इतना ज़्यादा थक गया ना, इतना ज़्यादा कहने की हद नहीं। ओहो हो, मेरा तो सर भी दर्द होने लग गया। खैर खैर, कल 22 जनवरी भी है, तो मेरे सारे भाइयों को बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड यहाँ पे कुत्ता की लड़ाई हो रखी है, इन करके मैं 2-3 बार ब्लॉग डिस्टर्ब हो गया, बट मैं इनके बीच में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये ज़्यादा ही लड़े रहे हैं भाई। क्या हो गया, शांत हो जाओ, कोई नहीं, चलो अब भाई बस अपन लोग यहाँ पे रुके हैं फ्रेशन अप होने के लिए, फ्रेश होते हैं अपन लोग, थोड़ा सा रास्ता घर का वापस रह गया, फिर अपन लोगों ने कुछ प्लानिंग भी कर रखी है, वो तो तुम लोगों को घर चल के कल के व्लॉग में दिखाऊंगा, 22 जनवरी से रिलेटेड छोटा सा ही है, बट प्लानिंग करने का मन था तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। अभी मेरी गर्दन भी दर्द हो रही है यार, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 95 किलोमीटर टोटल ड्राइव करी है,
जैसे मैंने सोचा था उतना दूर नहीं उनका फार्म हाउस का हल्का सा बहुत ज्यादा पास है, तो ठीक है भाई, कुत्ते ज्यादा ही लड़ पड़े।